हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट दो पेमेंट डिस्ट्रेसेस की, जिसमें ट्रांसवर्स क्रैकिंग एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग के सिम्टम्स, उनकी लोकेशंस, वो डिफेक्ट्स कैसे अराइज होते हैं, क्या सीवियरिटी लेवल्स हैं और कैसे हमें उनको ट्रीट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एलिगेटर क्रैकिंग के बारे में बात किया था और फर्दर दो जो डिस्ट्रेसेस हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड इंजीनियर्स के लिए एज वेल एज इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा डिफेक्ट है इस वीडियो सीरीज का, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू द सेंटर लाइन, ठीक है। तो जो क्रैक्स हमारे पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड है, यानी अगर हमारी रोड ये आपको दिख रही है तो दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ठीक है। इसके पैरेलल कोई भी जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज सेंटर लाइन एंड दीज क्रैक्स आर पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, तो दीज क्रैक्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स। और ये क्रैक्स हमारे क्या होते हैं, दे आर द ऑनसेट ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग। जो पिछले वीडियो में मैंने एलिगेटर क्रैकिंग या मैप क्रैकिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया था, वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक से इनिशिएट होते हैं एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू एलिगेटर क्रैकिंग, ठीक है। तो दीज क्रैक्स आर आल्सो समटाइम्स सोर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग। उसके बाद आते हैं कि हमारी किन लोकेशंस पर हमारे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स डेवलप होंगे। बेसिकली जो ज्वाइंट्स हैं दो लेन्स के, उन जॉइंट्स के अलोंग हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं, या फिर पेमेंट और शोल्डर के बीच में, ठीक है। तो ये दो प्राइम लोकेशंस हैं जहां पर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स डेवलप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और रीजन ये होता है, एक तो कि हमारा अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है जो शोल्डर सरफेस है उसके नीचे, और दूसरा हमारा प्राइम रीजन है कि हमारी जो एडजॉइनिंग लेयर्स, आपने एक के ऊपर एक डिफरेंट लेयर्स डाली हुई है पेमेंट सरफेस में, वो लेयर्स के बीच में अगर हमारा जॉइंट प्रॉपर नहीं है तो ये क्रैक्स हमारे ऊपर पेमेंट सरफेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द क्रैक्स हम उनको थ्री सीवियरिटी लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा लो सीवियरिटी, जिसमें जो क्रैक्स की विड्थ है, ठीक है, क्रैक की विड्थ जो है वो 1 से 3 mm होगी, और जो मीडियम सीवियरिटी वाले क्रैक्स होंगे वो हमारे 3 to 7 विड्थ के होंगे, ठीक है। और जो हाई सीवियरिटी क्रैक्स की क्राइटेरिया में आएंगे वो 6 mm वाइड क्रैक्स होंगे, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट जो क्रैक्स हैं वो ये हाई सीवियरिटी वाले क्रैक्स हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आपको साइज देखने को मिलेगा वो ग्रेटर देन 6 mm होगा। तो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी लेवल आपको ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। तो लो एंड मीडियम सीवियरिटी क्रैक्स के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक क्रैक सीलिंग है, और क्रैक सीलिंग करने का तरीका यह है कि आजकल इंप्रूव्ड बिटुमिन ग्रेड्स आ गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो बिटुमिन है दैट इज रबराइज्ड बिटुमिन। और जो हाई सीवियरिटी क्रैक्स है उसमें बेसिकली आप क्या करोगे, बिकॉज क्रैक की विड्थ आपकी 6 mm से ज्यादा है, तो आप जो क्रैक्ड पेमेंट लेयर है, पोर्शन है, उसको फ्रेश ओवरले, उसको रिमूव करेंगे एंड फ्रेश ओवरले कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस बीइंग यूज्ड बाय द हाईवे इंजीनियर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है, दैट इज ट्रांसवर्स क्रैक्स। ट्रांसवर्स क्रैक, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्रैक्स हमारे रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं। तो अगर हमारी रोड का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक दैट इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि दीज आर क्रैक्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द रोड, और ये बेसिकली कभी कभी इंटरकनेक्टेड सीरीज में क्रैक्स कनेक्टेड होंगे एंड देर आर लार्ज ब्लॉक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी सीवियरिटी आपने थ्री कैटेगरीज में वैसे ही क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे आपने जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स है उनको क्लासीफाई किया। तो जो लो सीवियरिटी के क्रैक्स हैं वो सबसे ज्यादा इनफ्रिक्वेंट क्रैक्स हैं, सबसे ज्यादा कम आपको जो मिलेंगे क्रैक्स वो लो सीवियरिटी क्रैक्स मिलेंगे। मीडियम सीवियरिटी क्रैक जो 3 to 6 mm वाइड क्रैक्स हैं वो हमारे मीडियम सीवियरिटी क्रैक्स हैं। हाई सीवियरिटी क्रैक्स जो होंगे वो 6 mm से ज्यादा और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट होंगे, ठीक है। और जो लोकेशंस हैं कहाँ पर हो सकती हैं, बेसिकली आइसोलेटेड लोकेशंस पर हमें आप देखने को मिलेंगे, या कैरिज वे में कहीं और लोकेशंस में भी हो सकते हैं। और रीजन हमारा क्या है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ क्रैक आर जॉइंट इन अंडरलाइंग पेमेंट। इसका मतलब ये हुआ
कि आपकी जो पेमेंट लेयर्स हैं, अगर आपकी नीचे वाली लेयर में कोई भी क्रैक डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो दिस क्रैक इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द टॉप पेमेंट सरफेस, ठीक है, तो ये हमारा एक रीजन ये हो सकता है, या हमारा ज्वाइंट जो है अंडरलाइंग पेमेंट लेयर का वो अगर डिफेक्टिव हो रहा है तो उसकी वजह से भी ट्रांसफर क्रैक्स हमारे डेवलप हो सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो हमने बिटुमिन यूज किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमारे जो ब्रिटलनेस है वो बढ़ रही है जो टॉप लेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है स्ट्रक्चरल फेल्योर हो सकता है कंक्रीट के बेस कोर्स पे और इस तरह के डिफेक्ट्स आपको पेमेंट सरफेस पे ट्रांसवर्स क्रैकिंग के फॉर्म में दिखेंगे। तो बेसिकली जो ट्रांसवर्स क्रैक है दे आर यूजली फॉर्म ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ बिटुमिनस मिक्स ऑन अकाउंट ऑफ लो टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो आप बिटुमिनस मिक्स यूज कर रहे हो वो श्रिंक कर रही है, तो जब श्रिंक करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो क्रैक्स हैं वो हमारे ट्रांसवर्स क्रैक के फॉर्म में पेमेंट सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। और बेसिकली इट इज ड्यू टू दी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हो क्या रहा है, हमारा जो बिटुमिन है वो ब्रिटिल होता जा रहा है और ब्रिटिल होने की वजह से जब श्रिंकेज होगी बिटुमिनस मिक्स की तो हमारे क्रैक्स ट्रांसवर्स क्रैक के फॉर्म में डेवलप होंगे। और ट्रीटमेंट वही सेम प्रोसेस है कि जो आपके क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उनको आपको सील करना है यूजिंग दी स्लरी सील, जिसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूं, या आप रबराइज बिटुमिन का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपने लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स को सील करने के लिए भी यूज किया था। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टू डिफेक्ट्स मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।